अपने पति ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿਕਾਊ ਮਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੂਸਰੀ ਸੇ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਇਨਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਇਨਕੇ ਮੂੰਹ ਮੇਂ ਡਾਲ ਦੇਤਾ ਉਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਨੇ ਲਗਤੇ ਹੈ। 10 साल से पंजाब में नहीं रहे, लाफ्टर चैनल में कॉमेडी नाइट्स में रह के करोड़ों रुपए कमाने में लगे रहे, बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक ढंग का उन्होंने काम नहीं किया। तो जो 10 साल से पंजाब में आए नहीं है, एक के बाद एक पार्टी बदल के भी 10 मिनट हुए आए नहीं, ये क्या जानते हैं? और इनका तो ये है कि जो पार्टी इनके मुँह में ज्यादा डाल देती है उसी के गुनगाने लग जाते हैं। यही कांग्रेस पार्टी को तो कल सबसे भ्रष्ट पार्टी चोरों की बारात कहती थी, मुन्नी से बदनाम होती थी, अब वो चोरों की बारात के राजा बनने के लिए खुद चल पड़े हैं। मुझे दुख है, कहते हैं मेरी घर वापसी असली माँ मिल गई है। तो आज पंजाब के लोगों को पता लग गया, सिद्धू साहब हमें तो मालूम ही नहीं था कि जिसने सिखों के कत्लेआम किए हैं, हमारे भाइयों के कत्लेआम किए हैं, वही आपकी सगी माँ है। धन्यवाद आपका कि आपने बता दिया। और आज एक सिख का दस्तार राहुल गांधी और गांधी परिवार के सामने झुके, तो मैं कहती हूँ लानत है कि आपको कोई सिख।